ठीक है, हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, पहले आप इसकी स्टेटमेंट लोगे। देखो, नेचर में कोई भी जो दो चीजें हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, और उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब मून और अर्थ के बीच में भी फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में भी फोर्स है, और ये वो फोर्स होता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये रही इसकी स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स है और वो इस लाइन पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर दिमाग में एक बात आती है कि ठीक है जी, सब अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, तो जैसे अब हम लोग बैठे होते हैं सब घर में, तो जैसे आप एक रूम में बैठे हैं पूरी फैमिली, तो सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मम्मी पापा बच्चे सब एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाते हैं? हम तो नहीं होते एक दूसरे पे अट्रैक्ट, हम तो अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स है कोई हमारे बीच में, और वो फोर्स अट्रैक्ट करता है ये भी बताता है, तो हम इसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक एप्पल है, एप्पल ऊपर से या कोई भी चीज आपने हाथ में पकड़ी हुई, आप इसे नीचे गिराते हो, छोड़ते हो उसे, मेरे को रेदर ये नहीं कहना चाहिए, गिराते हो उसे वहीं पे, आप हाइट से छोड़ देते हो, तो वो कहां जाता है? ये देखो, ये है, कहां जाता है वो? नीचे। तो हमेशा वो नीचे क्यों जाता है? इस केस में आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करता है, क्योंकि अर्थ जो है ना उस पे फोर्स लगा रही है, और जो अर्थ फोर्स लगाती है ना उसको हम स्पेशल केस है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नहीं तो वो किसी और दो ऑब्जेक्ट के बीच में है तो हम लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, तो अब हम इन सबके आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे। भाई एप्पल तो घिसक, एप्पल तो चला जाता है नीचे, अब अट्रैक्शन फोर्स है तो एप्पल को भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अर्थ तो हमें ऊपर आती हुई नहीं दिखती, एप्पल हमें नीचे जाता हुआ दिखता है। हम घर में बैठे हैं, हम तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते भाई, जब तक लड़ाई ना हो, लड़ाई में तो खूब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब तक लड़ाई ना हो सब अपनी अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं ना, तो इनके हम आंसर्स निकालें। तो पहले तो आप जब आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले हमें डिस्क्राइब करना है। मान लो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास m, कैपिटल m है, और दूसरे का स्मॉल m, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है। अब हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और सेम वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली मतलब अपॉन, डायरेक्ट का मतलब है कि अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, इनवर्सली का मतलब है अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, उल्टा है मतलब। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा फोर्स बढ़ेगा। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आता है ये फॉर्मूला, लेकिन फिजिक्स में हमेशा ये प्रोपोर्शन होता है, तो इसमें ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और हम ऐसे कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां हमें एफ की वैल्यू भी पता हो, कैपिटल एम भी, स्मॉल एम भी, और डी भी, और हमें ये पता है, फिर उसमें हम ये पुट करके जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ इस जी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू जो है वो भी गिवन होती है, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है?
एक आगे हम स्मॉल जी भी पढ़ेंगे, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी देख के आप कंफ्यूज मत होना। जो ये है इसकी वैल्यू हर जगह पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, और इसी वैल्यू में हमारे उनका आंसर है जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब करते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस हम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले पे, और इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है आप ये देखना। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का मास दिया है, मून का मास दिया है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, और देखो जी की वैल्यू भी दी है। हमें फाइंड आउट करना है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून, फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो जो इसकी वैल्यू है, इन्होंने लिखी है 6.7 × 10⁻¹¹, ये जी की वैल्यू। कैपिटल एम में ले लेती हूँ अर्थ का मास, ये आ गया मेरे पास मून का मास दूसरा वाला, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 3.84 × 10⁵ होल स्क्वायर। अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसमें टाइम बर्बाद मत करना। जो ये पॉइंट है ना, इनको आप अलग लिख लेना, जो पॉइंट वाले नंबर है, और 10 की पावर अलग, ये -11 ये प्लस हो रहा है 24, ये प्लस हो रहा है 24, ये देखो 5 × 2 = 10, दो बार आ गया ना 10 की पावर 5, तो 5 × 10 ये नीचे, तो ऊपर जाके -10। ये वाला फैक्टर आप अलग सॉल्व कर लेना, और इस वाले फैक्टर को आप अलग सॉल्व कर लेना। आपकी जो आदत है सॉल्व करने की, वो क्या आदत है कि ये पॉइंट पॉइंट हटा, नीचे इसका 10 और ये 10 आ गया, है ना। अब आप इसका पॉइंट हटाएंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 200 आपके ऊपर चले जाएंगे। ये 10 की पावर जो भी आया, इसको आप मत छेड़ना, इसको सॉल्व करके सीधा न्यूटन में वो आपका फोर्स आ गया, ये आपने सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। एक आपको क्वेश्चन आएंगे, मून सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, मून अर्थ के बीच में निकालो, अर्थ मून के बीच में निकालो, जुपिटर है, सैटर्न है, इन सबके बीच। और एक आएगा अर्थ और अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम भी अर्थ पे ही है, अर्थ और मेरे बीच में भी आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो जो हम डिस्टेंस लेंगे ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। अब मान लो कोई मून पे चला गया, अब मून का और उस पर्सन के बीच का हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या लेंगे, मून जो डिस्टेंस होगा वो होगी रेडियस ऑफ मून। आ गई ये बात समझ में, रेडियस ऑफ मून। जब भी आपने जिस चीज का लेना है, एक बहुत आपका सेलेस्टियल बॉडीज है, और अगर उसी पे वही ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस जो है उस सेलेस्टियल बॉडी का रेडियस होगा। कहीं आप एग्जाम में बैठ जाओ, अरे इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे। अब यही आपके थर्ड क्वेश्चन में है, देखो फोर्स निकालना है, जी की वैल्यू 6.6 × 10⁻¹¹, अर्थ का मास इन्होंने उसमें भी दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक है। और बॉडी का मास 1 kg है, दोनों का मास आ गया। अब देखो क्वेश्चन में भी क्या दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो हमारा डिस्टेंस है, बस। अब ग्रेविटेशन पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, वो ऐसे ही आएंगे। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है।